इसका तरीका बड़ा आसान है। ये कुछ वादे हैं जो आपने खुदा को देने हैं। सही हो, कुछ वादे, एक वादा मैंने देना है आपको। पहला वादा तो ये है कि आप इन सारी तालीमात को सुनकर अपने दिल में बिठाएंगे। एक तो ये वादा है, तो आप आमीन आमीन कह दें। आमीन। क्योंकि जब तक ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से आया है, जब ये दिल में आपके बैठेगी ये तालीमात, तो साथ ही खुदा का नूर भी आ जाएगा। तो आप आमीन कह दें। आमीन। आमीन। दूसरा ये है कि पूरी जिंदगी आखिरी सांसों तक आप खुदा से वफादारी और आखिरी सांसें आपकी खुदा की मोहब्बत में होंगी। आमीन। आमीन कह दिया। तीसरा जो है वो ये है कि जहां भी ये मौका मिला तो आप खुशखबरी पहुंचाएंगे कि मसीह और खुदा का दिल इस वक्त जमीन पर मौजूद है और खुदा की दुनिया का जमाना आ गया है। आमीन। आमीन। अब एक वादा मैं आपको दे देता हूँ। वो वादा ये है कि जब आप पर आखिरी सांसों में जब आप जिंदगी देंगे तो फरिश्ते नहीं आएंगे बल्कि मैं आपको देने के लिए आऊंगा। और जब आप आखिरी सांसों तक ये सारे तीनों वादे पूरे कर चुकेंगे और आप जिस्म को छोड़ेंगे वफात पाएंगे, तो उधर मैं खड़ा होऊंगा और आपका हाथ पकड़ के आपको खुदा के हजूर पहुंचा दूंगा। ये मेरा आमीन, आमीन। तो बस ये चार वादे हैं। ना हम कोई चंदा मांगते हैं, ना कुछ मांगते हैं। और एक नमाज है रात की, वो आपको अदा साहब बताएंगे। जी मोहम्मद जी बताइए। अच्छा, एक नमाज है असर की कि जिसमें कि इंसान की जिंदगी खत्म होने को आई और मगरिब का सूरज अब आ पहुंचा, उसके बाद अंधेरा छा जाता है। तो असर की नमाज में भी वो आपको बता देंगे क्या कहना है जी, क्या पढ़ना है जी। तो बस इन बातों के साथ जो अभी आपने आमीन कहा है, आज मैं खुदा के हजूर जाऊंगा और वहां जहां पर खुदा की अल्लाह की जात आती है, आपका नाम मैं बताऊंगा कि आप वो सैयद रूह हैं जो सिर्फ खुदा के लिए यहाँ तक आए हैं और ये अहद पैमान आपने की है। तो आज खुदा के नूर के सामने आपका नाम पेश कर दूंगा। खुदा हमेशा आपको याद रखेगा। आमीन, 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 आमीन जी। अच्छा, अब ये जो वक्त है, इस वक्त के लिए सारे मजमू में है नया आसमान नई जमीन आई। नया आसमान से मुराद ये होगी कि खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी, दिल का अरमान, बुराई की दुनिया खत्म हो जाएगी और हाथ साथ ये जो बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। और नई जमीन से मुराद ये है कि इस जमीन पर ये जो जमीन है ये खुदा की मोहब्बत करने वालों के नाम हो जाएगी और एक इंसानियत होगी जिसका खानदान होगा खुदा के साथ और इंसान खुदा की कदर कीमत को जानेगा। तो इस बात पे आज आपने ये मुझे चार वादे दिए हैं और इसको निभाए क्योंकि इशारा बड़ा जरूरी है। तो आइए पहले एक किताब आप पढ़े, फिर दुआ करें। अच्छा साहब, वो भी बता देना कि वो किताब पढ़ के रात को दुआ और कैसे ले जी और क्या कहना है, ए खुदाए वाहिद सच्चे वालदन और ए खुदा के दिल जी। इसका वजीफा पढ़ते हुए लेट जाना है और वो भी इनको दुआ याद कराएं जी, जो नमाज में है कि जब तू इलाही वो है इलाही वो जी, याद जी मैं भेज दूंगा बिल्कुल। तो खुदा ने चाहा तो इस दुनिया में ही आपको खुदा का दीदार हो जाएगा और इस दीदार की चाबी ये है, जब दीदार होगा तो सारी जनतों में आपका नाम लिख दिया जाएगा कि इसका खुदा से इसका दीदार हो गया है। हर जन्नत आपको बुलाएगी कि मेरी दुनिया में आके रहो।
हम मजबू के खिलाफ नहीं है, खुदा ने कहा कि मजबू की दुनिया जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, जैसे एक दरिया चलता है रावी चनाब सिंध, जब तक वो चलते हैं उनकी शिनाख्त बाकी है, जब समुन्द्र में गिरे तो कौन सा चनाब कौन सा रावी जी सारे की मोहब्बत है। तो मैंने आपसे बैठ ले ली, आप अतर साहब इनको मुबारक भी देंगे, मैं भी जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको मनावर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन ये अहद निभाना है जी, उसको निभाने की पूरी कोशिश संस्था। आमीन। ये अहद आप निभाएंगे तो आगे से अगला अहद मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश। अब ये है कि फरिश्तों की फरिश्ते मदद शुरू करते थे, अब वो जमाना गुजर गया, अब अल्लाह की जात ने फरिश्तों अख्तियार मुझे दे दिया है। तो अब जो है जमाना जो है वो ये जमाना है कि खुदा ने कहा था मेरे नूर से जमीन रोशन हो जाएगी और मैं दिखाई देने वाला खुदा हूँ। तो आप लाखों में एक है बल्कि करोड़ों में एक है कि जो दिल लेकर आए सिर्फ खुदा के हजूर खुदा की मोहब्बत के, बस यहां तक रहना है। जब तक आप खुदा की मोहब्बत में मसीह जमाना और मेरी मदद करेंगे कोई मखलूक आपको गिरा नहीं सकती। आमीन आमीन। तकलीफें आती है, वो पैरों पे भी आई थी, तो उसको सब्र के साथ कंधा पेशानी के साथ उसका साबित कदम रहना है। तो मैं दुआ करूंगा खुदा आपको साबित कदम रखे। आमीन। अब ये है कि आता साहब इनको गाइडिंग करते रहे जी जरूर, और अगर इनके पास वक्त हो तो इतवार को आ सकते हैं तो इतवार को आ जाए, जहाँ मैं अगर वहां वक्त नहीं है इतवार को तो इनको वो सारी वीडियो भेजा दिया जाए जी जरूर। आपका कोई सवाल है तो वो कर ले, बाकी मैं वक्त दे लेता हूँ वीडियो भेजा। सवाल जो है पहले वो मैंने साथ सारे पूछ लिए थे हजरत से। अच्छा, लेकिन आपने रब्ता रखना है आदर साहब। ठीक है, मैं रब्ता। और इतवार को वक्त होता है आपके पास या वहाँ है? इतवार को वक्त नहीं होता, इतवार को थोड़ी सी इधर ड्यूटी वाला मुश्किल होता है, ड्यूटी होती है। मैंने जैसे आदर साहब ने कहा कोई ऐसा भी रख ले जहाँ दूसरे मेम्बरों के पास भी वक्त हो। चलो ठीक है जी, तो आपकी मेहनत हो गई और अब मुझे इजाजत दे रहे क्योंकि मैं सवालों जवाब दे रहा हूँ। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका मनावर भाई, बहुत शुक्रिया, हम रास्ते में रहेंगे। अच्छा, इनको इनका नाम मुझे असल बता देना बाद में। जी जी जी, मैं बता दूंगा हजूर को, बता देंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़।